बिग बॉस 13 में इन दिनों सभी घर वाले फिनाले की रेस में दौड़ लगा रहे हैं। सभी बिग बॉस की ट्रॉफी पर अपनी दावेदारी पेश करने में लगे। जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है, घर वालों और ऑडियंस सभी का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। इस सीजन का फिनाले 15 फरवरी को होना है। बिग बॉस का यह फिनाले काफी बड़े लेवल पर किया जाने वाला है। इस बार फिनाले में 10 से 12 करोड़ की रकम खर्च की जा रही है, लेकिन इस बार फिनाले में मेकर्स ने एक नया ट्विस्ट डाल दिया है। आपको बता दें कि बिग बॉस 13 में अब 7 खिलाड़ी रह गए हैं, जिनमें सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, आरती सिंह, आसिम रियाज, फारस छाबड़ा, शहनाज गिल और माहिरा शर्मा शामिल हैं। इस हफ्ते बिग बॉस में मिडनाइट इविक्शन भी होने वाला है। फिनाले की दावेदारी में आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन मेकर्स का ट्विस्ट गेम चेंजिंग हो सकता है। खबरों की माने तो इविक्शन के बाद बुधवार से 48 घंटे वोटिंग चलेगी और इस बार लाइव वोटिंग करवाई जाएगी। शो के मेकर्स पर शुरुआत से ही सिद्धार्थ शुक्ला का सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे हैं। शायद इसी के चलते मेकर्स ने लाइव वोटिंग करवाने का फैसला लिया है। मिडनाइट इविक्शन में विक्की कौशल घर वालों को डराने के बाद घर से कौन बाहर जा रहा है ये बताने वाले हैं। फिनाले की इस रेस में कौन बाजी मारता है और मेकर्स का ये नया ट्विस्ट शो में क्या चेंज लाता है ये देखने लायक होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।